ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହିପାରିବା 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କେବେ ରାମଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ କେବେ ଶ୍ରୀରାମ ଫେରିବେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି 22 ତାରିଖ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଭାବଭକ୍ତିରେ ପୁରୀ ଉଠିଛି ଶ୍ରୀରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଗହଳି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଆଉ ହାତରେ 4 ଦିନ ରହିଲା ତାପରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ରାମଲଲାଙ୍କର ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଚିତ୍ରକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏବେ ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସବୁଠି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାରା ଶୁଭୁଛି ସବୁଠି ସେଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶ୍ଳୋକ ଶୁଭୁଛି ସେଇ ଧ୍ୱନି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ହିଁ ଶୁଭୁଛି ଏବଂ ପୁରା ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରୁ ସବୁଠାରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ସମାଗମ ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ପଣ୍ଡିତଜୀ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ରାମଲଲା ଆଏଙ୍ଗେ 22 ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଗା କେସେ ସ୍ୱାଗତ କରେଙ୍ଗେ କ୍ୟା କ୍ୟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ व्यवस्था तो भगवान की कृपा है बहुत बढ़िया व्यवस्था है ये तो स्वर्ग का दूसरा स्वर्ग हमारे मोदी जी ने ये बना दिया रामलला को लाए और रामलला का बहुत बढ़िया भव्य आयोजन किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन का भारत के कोने कोने के संत महात्मा यहाँ पधार रहे हैं जिसको निमंत्रण है वो भी आ रहे हैं जिसको नहीं वो भी आ रहे हैं लेकिन ये एक ऐतिहासिक चीज हमारे मोदी जी ने एक दिवाली बना दिया और ये रामलला का जो उद्घाटन हो रहा है ये समझ लो इतने सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कितने लोग इस इंतजार में गोली का शिकार हो गए कितने लोग अपने आप चले गए कि हमने सबसे बड़ी बात तो हमारे परमहंस जी चले गए राम मंदिर के चक्कर में और उसके बाद अशोक सिंघल जी भी चले गए आज मैं उनको नमन करता हूँ उनको धन्यवाद देता हूँ और भगवान करे दूसरा जन्म लें और भगवान का दर्शन करने आए ऐसा मैं भगवान से भी कामना करता हूँ हमारे संत महात्मा पधार रहे हैं यहाँ और जय श्री राम का नारा लग रहा है और बहुत भव्य आयोजन होगा जय श्री सीताराम से सब लोग दिवाली मनाएंगे रामलला को स्वागत करेंगे क्या बोले फिर से सब लोग दिवाली मनाएंगे घर घर में दीप जलाएंगे दिया जलाएंगे और फिर से रामलला को स्वागत करेंगे दिवाली मनाएंगे आज 500 वर्ष के बाद यह पर्व आया है उस समय भगवान 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए थे तो घर घर दीपावली मनी थी अब 500 वर्ष बाद आ रहे हैं तो भारत में और भारत के बाहर जो हमारे सनातनी रहते हैं सभी को दीपावली मनानी चाहिए ये बड़ा बहुत बड़ा पर्व है सनातनियों के लिए कि कई लोगों का लाखों लोगों का बलिदान है 4 लाख कार सेवकों का बलिदान और हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी सभी ने जो साधु संतों ने इसके लिए परिश्रम किया भगीरथ कार्य किया है तो बहुत बहुत साधुवाद है उसके लिए और भगवान रामलला 22 तारीख को अपने धाम में विराजमान होंगे तो ये एक बहुत बड़ा पर्व है तो हर घर में मैं हर भारतवासी हर सनातनी से एक बात कहना चाहूंगा कि कम से कम 5 दीपक अपने घर के बाहर जरूर लगाए और दीपावली मनाए जय श्री राम राजनीति में साधु संत त्यागी न रहेंगे अधिकारी तो राष्ट्र बेच कर भर लेंगे भंडार भवन भ्रष्टाचारी 10 कंधार से लड़ने वाला कोई न महान मनस्वी था विद्रोह प्रथम करने वाला भारत का एक तपस्वी था भारत का एक तपस्वी था आई वे टू लुक ओवर दी होल वर्ल्ड टू फाउंड आउट दी कंट्री मोस्टली चली इंडोर वी ऑल दी वेल्थ पावर एंड ब्यूटी दैट नेचर कैन विस्टो आई शुड पॉइंट टू इंडिया आई शुड पॉइंट टू इंडिया बोले भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे जो चित्र सामनाकु आसुछि ताहा खूब खुशी देउछि भारतर जयगान हिंदुस्तानर जयगान एवं जय श्रीराम ध्वनिरे प्रकम्पित पूरा अयोध्या नगरी विश्व चाहि बसिछि रामलालाङ्क प्राण प्रतिष्ठा उत्सवकु आउ हातरे 4-5 दिन समय रहिला ए 4 दिन भितरे समस्ते जीजान लगाइ देइछन्ति राम सेवा करिबारे समस्ते मग्न रहिछन्ति जहाँ खूब खुशी देउछि विद्युत प्रभा एवं स्वप्नांजलि लगातार भाबरे आम सहित जोडी होइ रहिबे
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।